आई एम श्योर आपने ये दो विजुअल्स तो जरूर देखे होंगे कि जैसे ही वसुंधरा राजे के हाथ में नए सीएम की पर्ची आई तो वो शॉक्ड हो गई और उसके बाद से उनके एक्सप्रेशंस दुखी होने वाले थे। अगला आप शिवराज को देख लीजिए, जो मामा है वहां पर लाडली बहना पहुंच रही है कि भैया हमने आपको वोट दिया था, आप काहे नहीं सीएम बने, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि राम राम साहब मेरी विदाई है और अब मैं दिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा काम मांग। अब ये सारे जो संकेत हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, सब लोग कयास लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ट्रेंड के हिसाब से देखें और इतिहास को देखें तो बीजेपी जितने भी ये पुराने सीएम हैं, भैया नए चेहरों को मौका देती है, तो फिर पुराने सीएम का क्या करती है बीजेपी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुराने सीएम्स के साथ आज तक क्या क्या हुआ है और क्या इससे तय हो गया है वसुंधरा शिवराज का भविष्य। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि वसुंधरा शिवराज का भविष्य क्या होगा, क्या ये फाइनल हो गया है, महाराष्ट्र से कैसे गायब हो गए थे पुराने सीएम, तीसरा हरियाणा गुजरात में भी बीजेपी ने कैसे बड़ा झटका दिया था, चौथा है कि कर्नाटक में खुद दिलवाया था इस्तीफा पुराने सीएम से, और पांचवा है कि 2024 पर कितने निशाने लगा गई है बीजेपी, और थोड़ा सा मैं आपको इतिहास भी बताऊंगी। अब सबसे पहला सबके मन में यही सवाल है कि अभी तो सब राजी खुशी दिख रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होने वाला है, मोदी जी इनको क्या नई जिम्मेदारी देंगे, क्या केंद्र में ले लेंगे या फिर ये लोग बगावत भी कर सकते हैं, वोटर्स का भी ध्यान रखना है, इनकी पॉपुलैरिटी का भी ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट में समझिए कि आखिर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पुराने सीएम के साथ क्या होता है और अब वसुंधरा और शिवराज का भविष्य क्या है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो बीजेपी पुराने सीएम्स के साथ तीन तरीके के सलूक करती है, या तो उन्हें राज्य में ही बड़े बड़े मंत्रालय देकर कॉम्पनसेट किया जाता है, या फिर उन्हें संगठन का काम या राज्यपाल बनाया जा सकता है, या फिर उन्हें वापस मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कि जैसा कर्नाटक में देखने को मिला। अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि वसुंधरा का भविष्य क्या हो सकता है अगर हम बीजेपी के इतिहास को देखें तो आला कमान ने वसुंधरा को सीएम तो नहीं बनाया लेकिन अब उन्हें केंद्र में एडजस्ट कर सकता है, उन्हें कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा इलेक्शन को लड़ने के लिए कहा जा सकता है। यदि राजे इस ऑफर को स्वीकार करती हैं तो उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि उन्हें पारंपरिक सीट झालावाड़ से उतारा जा सकता है, वर्तमान में उनके बेटे दुष्यंत यहां से सांसद हैं। अब सवाल आता है कि ऐसे में दुष्यंत का क्या होगा, तो ये अभी क्लियर नहीं है। एक संभावना ये भी है कि झालरापाटन से दुष्यंत को विधानसभा में उतार दिया जाए, ये समीकरण वसुंधरा और दुष्यंत के अनुशासन पर ही काम करेगा। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उन्हें अब राज्यपाल बना दिया जाए। बीजेपी आलाकमान ने अभी जो भजनलाल मॉडल लाया है उसे देखते हुए लगता है कि वसुंधरा का आगे का रास्ता आसान नहीं है, संभवतः उनकी विदाई केंद्र में मंत्री बनाकर हो सकती है। अगर उन्हें केंद्र में ले लिया भी जाता है तो कोई खास पोर्टफोलियो नहीं दिया जाएगा, कुल मिलाकर आगे जो भी मिलेगा आखिरी बार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी नए नेतृत्व की तरफ देख रही है। अब शिवराज के भविष्य की बात कर लेते हैं। फिलहाल दो ही विकल्प दिख रहे हैं शिवराज के लिए, पहला तो केंद्र में मंत्री, दूसरा संगठन में राष्ट्रीय स्तर का पद। पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश में वह पावर सेंटर बने, इसलिए उन्हें जल्द दिल्ली बुलाया जा सकता है। और जिस तरीके का अनुशासन शिवराज दिखा रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें पार्टी का आदेश मानना ही है। जिस तरीके से शिवराज सिंह कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, हो सकता है कि आलाकमान उन्हें रेस्ट ही दे दे। आपको बता दूं कि शिवराज खुद चुनाव परिणाम आने के बाद छिंदवाड़ा की हारी 9 सीटों के कारण जानने पहुंचे थे। ऐसे में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ उतार दे। शिवराज के पास कांग्रेस के दिग्गज के खिलाफ चुनाव लड़ने का अनुभव भी है। शिवराज सिंह चौहान ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1990 में बुधनी से लड़ा था, उसके बाद वे सांसद भी रहे। अपने 33 साल के राजनीतिक करियर में केवल एक बार 2003 में विधानसभा चुनाव में शिवराज हारे हैं, जब उन्हें राघोगढ़ में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा गया था। दूसरा, अब आप थोड़े इतिहास के पन्नों में चलिए कि महाराष्ट्र में जब सरकार बनी थी तो कैसे ये जो पुराने सीएम है यानी जो सीएम की दौड़ में थे उनका नाम नहीं आया था और किसी नए चेहरे को उन्होंने मौका दिया था बीजेपी ने, तो फिर उसके बाद उन पुराने सीएम का क्या हुआ। बीजेपी ने सरप्राइज देने की शुरुआत 2014 के महाराष्ट्र इलेक्शन से की थी। ये वो दौर था जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वादे के अनुसार सीएम ज्यादा सीट वाले बीजेपी का होना था और मुख्यमंत्री पद की रेस में पार्टी के पुराने नेता एकनाथ खड़से और नितिन गडकरी थे।
खडसे बहुत आक्रामक तरीके से खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे थे, लेकिन बीजेपी लीडरशिप ने कम उम्र के देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुनकर सबको चौंका दिया था। अब आप ये जान लीजिए कि उनका क्या हुआ जो सीएम पद की दौड़ में सबसे पहले थे। पहले हैं एकनाथ खड़से, उनको संतुष्ट करने के लिए उन्हें ढेर सारे मंत्रालय दिए गए थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें तरजीह देना बंद कर दिया था। नतीजा ये निकला कि 2 साल बाद उन्होंने खुद बीजेपी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। दूसरे आते हैं नितिन गडकरी, पहले से ही वो केंद्र में थे, चुपचाप बीजेपी लीडरशिप का आदेश माना और वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। अब तीसरा जाइए कि हरियाणा और गुजरात में बीजेपी ने कैसे बड़ा झटका दिया था। 2014 में आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो वो उस वक्त पहले सीएम थे गुजरात के। तो जब सीएम की कुर्सी यहाँ पर खाली हो गई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, उसके बाद कैसे बीजेपी ने गुजरात में चौंकाया था। पहले बात करते हैं हरियाणा की, तो बीजेपी ने 2014 में प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम विलास शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। ये चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही हुए थे। सीएम पद के लिए प्रोफेसर कैप्टन अभिमन्यु और अनिल विज का नाम चल रहा था, लेकिन बीजेपी लीडरशिप ने पंजाबी कम्युनिटी से मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाकर सबको चौंका दिया था। उस समय मनोहर लाल विधायक भी नहीं थे, लेकिन संघ का खास होने के कारण ये पद उन्हें मिला था। अच्छा, अब उनका क्या हुआ जो सीएम पद की दौड़ में थे। तो सबसे पहले हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जिनको शिक्षा एवं भाषा, टूरिज्म और कई अलग पोर्टफोलियो मिले। फिर दूसरे आते हैं अनिल विज, जिनको स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, आयुष, चुनाव, खेल एवं युवा मामले की जिम्मेदारी मिली। तीसरे हैं कैप्टन अभिमन्यु, जिनको वित्त, राजस्व, पर्यावरण, उद्योग जैसी कई जिम्मेदारियां मिली। 2019 में जब दोबारा बीजेपी सरकार बनी तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए थे, लेकिन अनिल विज जीते और अभी भी ताकतवर मंत्री है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बने और गुजरात के सीएम का पद खाली हो गया। वो जगह मंत्रिमंडल की सबसे सीनियर मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल ने ली। आनंदीबेन 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक करीब 2.25 साल सीएम रही। उन्होंने 75 साल की होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। नए सीएम के नामों में नितिन पटेल का नाम तेजी से चल रहा था। नितिन पटेल के घर पर पूजा हो चुकी थी, उनके समर्थकों ने मिठाइयां भी बांट दी थी। नितिन अपने सीएम एजेंडे पर मीडिया में इंटरव्यू भी दे रहे थे, लेकिन उस दिन 7 अगस्त को शाम 4 बजे के बाद एकाएक हालात बदले और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपाणी का नाम सीएम के रूप में घोषित करा दिया गया। नितिन पटेल को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। जब 5 साल बाद विजय रूपाणी को लेकर असंतोष हुआ तो फिर से सीएम बदलना पड़ा। इस बार भी नितिन पटेल सशक्त दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को 13 सितंबर 2021 को सीएम बना दिया। भूपेंद्र 5 साल पहले ही विधायक बने थे। इस बार भी नितिन पटेल ने पहले ही बयान दे दिया था कि सीएम ऐसा होना चाहिए जो लोकप्रिय, अनुभवी और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। ऐसी अफवाह है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सच यह है कि फैसला हाईकमान करेगा। हुआ भी ऐसा ही, हाईकमान ने सीएम का पद भूपेंद्र पटेल की झोली में डाल दिया। अच्छा, अब उनका क्या हुआ जो सीएम पद की दौड़ में थे गुजरात में। तो सबसे पहले आनंदीबेन पटेल, जिनको राज्यपाल बनाया गया। दूसरे हैं नितिन पटेल, जो 2 बार नाम चला लेकिन दोनों बार डिप्टी सीएम बनाए गए, पिछला चुनाव लड़ने से मना किया और जुलाई 2023 में राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। अब अगले आते हैं विजय रूपाणी, जिनको साल भर बाद पंजाब प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। कुछ दिन पहले ही उन्हें लोकसभा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। चौथा है कि कर्नाटक की बात कर लीजिए। अभी हाल ही में उधर चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी हार गई थी, तो कैसे कर्नाटक में खुद बीजेपी ने ये जो सीएम का बड़ा चेहरा था उनको इस्तीफा खुद ही दिलवाया था और फिर खुद ही वापस इस्तेमाल कर लिया था। आप ये पॉलिटिक्स समझिए। 23 जुलाई 2021 को येदियुरप्पा की उम्र 78 साल थी। आलाकमान ने उनसे कहा कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी आलाकमान 17% वोट बैंक देने वाले लिंगायत के सबसे बड़े नेता से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। इस कारण येदियुरप्पा से कहा कि आप जिसे कहेंगे उसकी आपकी जगह सीएम बना दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी आलाकमान ने लिंगायत समुदाय के बसवराज बोमई को सीएम बनाया। बीजेपी ने सर्वे में भांप लिया था कि उम्र दराज होने के कारण 2 साल पहले हटाए जा चुके येदियुरप्पा के बिना 2023 मई में होने वाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता है। साल की शुरुआत में ही बीजेपी आलाकमान ने फिर से येदियुरप्पा को तरजीह देना शुरू कर दिया। 24 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके घर ब्रेकफास्ट मीटिंग करने गए थे। बीजेपी ने उन्हें वापस बिना पद के कमान सौंप दी। यहां तक कि टिकट वितरण भी येदियुरप्पा के अनुसार किया गया। बावजूद इसके बीजेपी चुनाव हार गई।
बीजेपी आलाकमान ये बात समझ गया है कि कर्नाटक में येदुरप्पा के बिना जीता नहीं जा सकता है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर येदुरप्पा के बेटे विजेंद्र को 11 नवंबर को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। और पांचवा है कि ये तीन राज्यों में नए मुख्यमंत्री चेहरे बनाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2024 के लिए कितने सारे निशाने एक साथ साध गई है बीजेपी, और इतिहास आप थोड़ा बीजेपी का जान लीजिए और इसकी पॉलिटिक्स समझ लीजिए। अब आप ये देखिए कि 24 के लिए बीजेपी ने कैसे कई सारे निशाने लगा दिए। सबसे पहला है जातीय समीकरण, जितने भी ये नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए हैं वो सब जाति के हिसाब से, आप देखेंगे कहीं ओबीसी है, कहीं एससी है, कहीं ब्राह्मण है, तो ऐसे करके सारी जातियों का ध्यान रखा है। आरएसएस के लोगों को बढ़ावा दिया है, 24 पर पूरी नजर रखी गई है, और ये भी बताया है कि हम जनरेशन चेंज करते हैं यानी नए चेहरों को मौका देते हैं। ओबीसी वोट भी अपनी तरफ खींच लिए हैं, अपर कास्ट वोट भी अपनी तरफ खींच लिए हैं, भजन लाल को सीएम बनाकर राजस्थान का, यूपी बिहार के यादव वोट भी साध लिए हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर। तो ये देखा जाए कि ये जो भारत का हार्ट है यानी ये जो हिंदी राज्य हैं वो अब बीजेपी के लिए अजय माने जा रहे हैं। दक्षिण और ईस्ट पर अभी तक डिबेट है, और तो और राहुल के कास्ट सेंसस का भी जवाब दे दिया है। कास्ट सेंसस बीजेपी शायद ही कराएगी, लेकिन जातियों को साध लिया है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। इतिहास की बात करूं तो बीजेपी ने अपने 43 इयर्स के सियासी सफर में शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। मार्च 1990 में एक साथ तीन राज्यों में पार्टी की सरकार बनी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश थे। बीजेपी के पहले सीएम भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने। उसके दूसरे दिन सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश, और उसी दिन शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने। इससे पहले बीजेपी किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी थी। साल 1990 से लेकर अभी तक लगभग बीजेपी के करीब 15 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही है। बीजेपी के लगभग 40 नेता मुख्यमंत्री पद पर अलग अलग राज्यों में रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत भले ही पहले सीएम हो, लेकिन सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान विराजमान रहे। बीजेपी वक्त के साथ अपने पुराने छत्रपों को हटाकर नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाती रही है। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल या फिर संगठन में एडजस्ट करती रही है। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं को केंद्र की सत्ता में आने पर मंत्री भी बनाने का काम किया है। हालांकि बीजेपी ने अपने कुछ नेताओं को जब मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनकी जगह नए चेहरों को सत्ता की कमान सौंपी तो उन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया। बीजेपी छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन सियासी तौर पर सफल नहीं होने के बाद घर वापसी कर गए, और अब सबकी नजरें वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान पर हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिए ट्रेंड्स की आखिर पुराने सीएम का क्या करती है बीजेपी। अब वसुंधरा राजे और शिवराज का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। 2024 से पहले किसको झटका लगेगा, इंडिया गठबंधन को या बीजेपी को, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।